चलिए भैया करते हैं स्टार्ट फिर। पहले आप हमें ये बता दीजिए कि जो घर जाकर आपने क्वेश्चंस ट्राई किए उनमें से किस किस में आपको डाउट आए हैं, ठीक है, जो कल मैंने आपको करने के लिए दिए थे। देखो एक एक क्वेश्चन करके मैं आपके सामने कर रहा हूँ, बात मत करिए, यहाँ ध्यान से बताइएगा कि किस में आपको डाउट आया है, वही हम आपको बताएंगे फिर आगे पढ़ाना स्टार्ट करेंगे। ये तो करना ही नहीं था आपको। इसमें कोई प्रॉब्लम है, किसी को नहीं है, ठीक है, गुड। नेक्स्ट, इसमें कोई डाउट है? फर्स्ट एंगल 0 डिग्री, सेकेंड एंगल थीटा, कॉस 0 माइनस कॉस थीटा, कॉस 0 यानी 1 माइनस कॉस थीटा, ठीक है। कई बार ऐसा हो सकता है कि इसे आगे भी सॉल्व करा सकता है वो, तो आप 1 माइनस कॉस थीटा को 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2 भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो ऐसा भी आ सकता है कि प्रूव दैट 2PE साइन स्क्वायर थीटा बाय 2। बायोलॉजी वाला थोड़ा ध्यान दीजिएगा कि क्योंकि उन्हें फॉर्मूला नहीं पता होगा, मैथ्स में फॉर्मूला बार बार आता रहता है। 1 माइनस कॉस थीटा को आप ये भी लिख सकते हैं 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2, प्रूफ करा सकता है, ठीक है। तो 1 माइनस कॉस थीटा को हम लिख देंगे 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2। बढ़े आगे, यहां इसमें कोई प्रॉब्लम है? सबने कर लिया, ठीक, गुड। शांत रहें जरा, यहां इसमें कोई प्रॉब्लम? ये तो मैं खुद कराऊंगा आप लोगों को। ओके, ये भी मुझे खुद कराना है, ये भी मैं खुद कराऊंगा। ये नहीं हुआ होगा, ठीक है, मैं बताता हूं इसे। और ये बना दिया, टॉर्क इज इक्वल टू पी ई साइन थीटा, P दे रखा है, E दे रखा है, साइन 31/2, कैलकुलेट करोगे आंसर आ जाएगा। बन गया ना सभी लोगों का, ठीक है, गुड। ये तो मैंने खुद करा दिया था, कोई डाउट आया इसमें? अरे बोलो भाई आदित्य, बात मत करो क्लास के अंदर बैठकर बिल्कुल भी। चलिए अब ये प्रॉब्लम हम स्टार्ट करते हैं भैया, और देखिए प्रॉब्लम में क्या पूछा है हम लोगों से, ठीक है। देखो हम आपको बताते हैं कि प्रॉब्लम है क्या। हमें यह कहा गया है भैया कि इलेक्ट्रिक फील्ड ना कांस्टेंट नहीं है, इलेक्ट्रिक फील्ड वेरिएबल है, और इलेक्ट्रिक फील्ड डिस्टेंस के अकॉर्डिंग चेंज हो रहा है। इलेक्ट्रिक फील्ड के चेंज होने का जो रेट है वो आपको दिया है 10^5 न्यूटन पर कूलंब पर मीटर, यानी एक मीटर में इतना इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज हो जाता है। यानी मैं ये कह सकता हूं कि भैया गिवन मुझे क्या दिया गया है, मुझे गिवन दिया गया है DE upon DX इज इक्वल टू 10^5 न्यूटन कूलम इनवर्स पर मीटर। समझ रहे हैं आप लोग, ये मुझे गिवन दिया गया है, इलेक्ट्रिक फील्ड डिस्टेंस के रेस्पेक्ट में चेंज हो रहा है। सो DE upon DX इज इक्वल टू 10^5। अच्छा चेंज किस डायरेक्शन में हो रहा है? पॉजिटिव, तो x रखना तो सही नहीं रहेगा, यहां पर क्या रखें, यहां पर z रखते हैं। DE upon DZ इज इक्वल टू 10^5 न्यूटन कूलंब इनवर्स पर मीटर, ठीक है। z की डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा चेंज हो रहा है, और वो भी इंक्रीज हो रहा है बेटा, इंक्रीजेस यूनिफॉर्मली, ठीक है। हमें बताना क्या है, और हमें क्या गिवन दिया है, डाइपोल मोमेंट हमें गिवन दिया है। डाइपोल मोमेंट की वैल्यू है 10^-7 कूलंब मीटर। देखो कहानी कुछ ऐसी है, जरा ध्यान से सुनिएगा। हमने माना कि इस तरफ है z डायरेक्शन, इस तरफ है y डायरेक्शन, इस तरफ है हमारे पास में x डायरेक्शन। हम कहीं कुछ भी मान सकते हैं, जरूरी नहीं कि इधर x मानो, ऊपर y मानो, इधर z मानो, कहीं कुछ भी हो सकता है, ठीक है। हमें एक डाइपोल यहां दिया गया है कुछ ऐसे, ये रहा डाइपोल, माइनस क्यू प्लस क्यू। डाइपोल z की डायरेक्शन में रखा है, किस डायरेक्शन में रखा है? इलेक्ट्रिक फील्ड भी हमारा इस डायरेक्शन में ही चेंज हो रहा है, DE upon DZ इसी डायरेक्शन में है। तो सबसे पहले हम निकालते हैं टॉर्क। देखिए टॉर्क कैसे निकालेंगे, डाइपोल भी ऐसे रखा है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी इसी डायरेक्शन में है, डाइपोल मोमेंट की भी यही डायरेक्शन, इलेक्ट्रिक फील्ड की भी यही डायरेक्शन, दोनों के बीच में 0 डिग्री का एंगल बनेगा।
टॉर्क निकालने का फॉर्मूला है पी ई साइन थीटा। थीटा कितना हो गया? जीरो। साइन जीरो की वैल्यू जीरो, टॉर्क निकल गया जीरो। समझ में आ रही बात? टॉर्क तो हो गया है हमारा जीरो, एक आंसर हमने बना दिया है। लेकिन हमें टॉर्क के साथ साथ क्या बताना है? हमें फोर्स भी बताना है कितना होगा। अब देखो कैसे बताएंगे भाई। गिवन था हमारे पास में डी ई अपॉन डी जेड इज इक्वल टू 10^5। सो डी ई इज इक्वल टू 10^5, साथ में हो गया डी जेड। समझ आ रहा है सभी लोगों को? हम लोगों ने एक काम किया, हम लोगों ने क्यू से यहां मल्टीप्लाई की और क्यू से मल्टीप्लाई हम लोगों ने यहां कर दी। ठीक है, दोनों तरफ मल्टीप्लाई बाय क्यू ऑन बोथ साइड। क्यों किया है अभी समझ जाओगे आप लोग। दोनों तरफ मैंने क्यू से मल्टीप्लाई क्यों किया, और इधर भी हमने इंटीग्रेशन ले लिया है, और इधर भी हमने इंटीग्रेशन ले लिया है। दोनों तरफ हमने इंटीग्रेशन लिया। इंटीग्रेशन क्यों मैंने लिया है? क्योंकि ये जो डी ई है ना, डी ई, डी ई मीन्स स्मॉल वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, में इसे लार्ज वैल्यू में कन्वर्ट करना चाहता हूँ। डी जेड का मतलब है स्मॉल वैल्यू ऑफ डिस्टेंस, इसे लार्ज वैल्यू में कन्वर्ट करना है। तो दोनों तरफ हमने इंटीग्रेशन लिया। ठीक है, सो क्यू डी ई का इंटीग्रेशन हो गया हमारे पास में ई 10^5, डी जेड का इंटीग्रेशन हो गया जेड, और साथ में है हमारे पास में क्यू। देखो बेटा ध्यान से, क्यू और यह है जेड। क्यू का मतलब है दोनों चार्ज में से एक चार्ज, और जेड है इनके बीच का गैप। जेड है इनके बीच का गैप। तो डाइपोल मोमेंट निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? डाइपोल मोमेंट निकालने का फॉर्मूला है दोनों चार्ज में से कोई भी एक चार्ज एंड मल्टीप्लाई बाय द डिस्टेंस। तो ये बताइए Z इंटू क्यू को हम डाइपोल मोमेंट लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते हैं? अगर आपको इंटीग्रेशन नहीं समझ आ रहा है ना, तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, आप मत करिए इंटीग्रेशन। आप जब हम Z इंटू क्यू को डाइपोल मोमेंट लिख सकते हैं ना, तो हम डी जेड इंटू क्यू को भी डाइपोल मोमेंट लिख सकते हैं। डी जेड इंटू क्यू को भी हम डाइपोल मोमेंट लिख सकते हैं। और क्यू इंटू ई, ये होता है हमारा फोर्स। चार्ज इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड को हम फोर्स का नाम देते हैं। तो बेटा ये देखो, Q इंटू डी ई, ये निकल गया हमारे पास में फोर्स, ये है 10^5, ये डी जेड है, ये Q है। डी जेड इंटू क्यू बन गया डाइपोल मोमेंट। सो फोर्स इज इक्वल टू 10^5, डाइपोल मोमेंट की वैल्यू 10^-7। जैसे ही दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे आंसर कितना निकल जाएगा? 10^-2 न्यूटन। तो टॉर्क की वैल्यू तो हो गई जीरो। टॉर्क कितना हुआ? क्योंकि डाइपोल भी जेड के अलोंग रखा है और इलेक्ट्रिक फील्ड भी जेड के अलोंग ही इंक्रीज कर रहा है। दोनों की डायरेक्शन कैसी है? सेम। इसीलिए टॉर्क तो हो गया जीरो। थीटा जीरो हो गया तो टॉर्क भी जीरो हो गया, और हमारे पास में फोर्स की वैल्यू कितनी है? 10^-2 न्यूटन। बताइए क्लियर हुआ या नहीं हुआ? एक और बार मैं बता देता हूं, जरा ध्यान से सुनिएगा। देखो हमें गिवन दे रखा है ये डी ई अपॉन डी जेड इज इक्वल टू 10^5। सो डी ई इज इक्वल टू 10^5 इंटू डी जेड। ठीक, हम लोगों ने क्यू से यहां मल्टीप्लाई की और क्यू से यहां मल्टीप्लाई की, तो क्यू इंटू डी बन गया बेटा मेरे पास में फोर्स। क्यू इंटू जो डी ई है वो मेरे पास में फोर्स बन गया है, यह है 10^5। डी जेड है डिस्टेंस। हो जाओ भाई, हो जाओ भाई, थोड़ा सा हो जाओ। डी जेड इंटू क्यू हो जाएगा डाइपोल मोमेंट। डाइपोल मोमेंट की वैल्यू आपको दे रखी है 10^5 इंटू 10^-7। आंसर बन गया है 10^-2 न्यूटन। क्लियर? टॉर्क कितना होगा? क्यू जीरो होगा, सबको समझ में आ गया। और फोर्स की वैल्यू क्या रहेगी? 10^-2 न्यूटन। इंटीग्रेशन कर लोगे तो थोड़ा और बेहतर इंपैक्ट आ जाएगा, नहीं करोगे तो आंसर फिर भी आप लोगों का करेक्ट है। ठीक है, जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए, आगे बढ़ते हैं। फिर डाइपोल मोमेंट नेगेटिव जेड डायरेक्शन में है भाई, नेगेटिव जेड, फिर भी टॉर्क जीरो ही आएगा। डाइपोल मोमेंट इधर है, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर चेंज हो रहा है, तो कितने डिग्री का एंगल बनेगा? 180। साइन 180 फिर हमारा जीरो हो जाएगा, उसमें भी जीरो है, जीरो डिग्री में भी जीरो है। ठीक है, आगे बढ़े। चलिए
तो ये हमारा टॉर्क वाला काम ना बच्चों फिनिश हो गया। एक आधा सवाल मैं बीच में ही आपको डायग्राम बनाकर बता दूंगा, बाकी काम हमारा खत्म हो गया है। वो जो कल मैंने टाइम पीरियड की डेरिवेशन ड्राइव करवाई थी वो सबको समझ में आ गई थी, उसे अच्छे तरीके से प्रिपेयर कर लीजिएगा, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं यहाँ से आगे, और जो अगला कॉन्सेप्ट है हमारे पास में वो है इक्विलिब्रियम कॉन्सेप्ट। कई सारे सवाल एनसीईआरटी में भी गिवन दे रखे हैं और वैसे भी हम लोगों से पूछे जाते हैं इक्विलिब्रियम कॉन्सेप्ट के ऊपर। लिखिए अपनी कॉपी के अंदर हेडिंग इक्विलिब्रियम कॉन्सेप्ट, इक्विलिब्रियम कॉन्सेप्ट, इक्विलिब्रियम कॉन्सेप्ट, ठीक है, इक्विलिब्रियम कॉन्सेप्ट, ठीक। चलो जरा ध्यान से देखिएगा। देखो भाई, दो तीन क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे इसके ऊपर, और देखिए क्या सिचुएशन है। एनसीईआरटी में भी लगभग दो से तीन प्रॉब्लम मौजूद है। ये हमें एक बॉल दी गई है, ठीक। मान लेते हैं कि बॉल का जो मास है वो है m, ठीक, और बॉल के ऊपर जो चार्ज है वो है माइनस के क्यू। बॉल का जो चार्ज है वो माइनस के क्यू है। बॉल अपने मास की वजह से नीचे गिरने का प्रयास करेगी, यानी बॉल के ऊपर डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक फोर्स काम कर रहा होगा जिसे हम नाम देंगे मास इंटू ग्रेविटी का। कई बार मास की जरूरत नहीं पड़ती, कई बार मतलब मास इंटू ग्रेविटी भी आप इसे कह सकते हो, लेकिन कई बार मास गिवन नहीं होता, वॉल्यूम और डेंसिटी गिवन होती है, ठीक है। तो मास को उस केस में आपको लिखना पड़ेगा। मास का बेसिक फॉर्मूला होता है वॉल्यूम इंटू डेंसिटी इंटू ग्रेविटी, समझ में आ रही बात। और कई बार वॉल्यूम भी आपको गिवन नहीं होता, वॉल्यूम की जगह आपको रेडियस गिवन होती है। बॉल की बात हो रही है, बॉल की रेडियस दे रखी है आपको स्मॉल r, तो वॉल्यूम को आप लिख पाएंगे 4/3 πr³ डेंसिटी इंटू ग्रेविटी। बताओ जल्दी से समझ में आ नहीं आया, ठीक है। एम जी तो है ही, बहुत सारे सवालों में एम जी मिल जाएगा, लेकिन कई बार एम जी को रिप्लेस करना पड़ सकता है किससे, वी रो जी से, और कई बार वी रो जी को ये लिखना पड़ सकता है, समझ में आ रही बात। अब उसने ये कहा कि बताइए इलेक्ट्रिक फील्ड को हम किस डायरेक्शन में अप्लाई करें कि ये बॉल नीचे गिरनी नहीं चाहिए, बॉल डाउनवर्ड डायरेक्शन में नहीं जानी चाहिए, आपको ऐसी डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करना पड़ेगा। भैया बॉल के ऊपर अगर नेगेटिव चार्ज है और बॉल को गिरने से बचाना है तो बॉल के ऊपर एक फोर्स एम जी की अपोजिट डायरेक्शन में ऊपर की तरफ लगाना पड़ेगा। तो जब हम बॉल के ऊपर एक फोर्स ऊपर की तरफ लगाएंगे, बॉल के ऊपर हमने एक फोर्स अपवर्ड डायरेक्शन में लगाया कुछ इस तरीके से, और हमने इस फोर्स को नाम दिया है F इज इक्वल टू चार्ज इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड। बॉल के ऊपर हमने एक फोर्स लगाया है अपवर्ड डायरेक्शन में और हमने इस फोर्स को नाम दिया है चार्ज इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। एक बात बताइए, बॉल के ऊपर चार्ज कैसा है, नेगेटिव, कौन से चार्ज की तरफ अट्रैक्ट हो सकता है, तो डेफिनेटली ऊपर रहा होगा पॉजिटिव। ऊपर क्या रहा होगा, अगर ऊपर पॉजिटिव रहा होगा तो नीचे की तरफ जस्ट उसके अपोजिट डायरेक्शन में रहा होगा नेगेटिव। इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन है वो प्लस से माइनस की तरफ है। अरे किस तरफ है, प्लस से माइनस की तरफ है, और इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू है ई। तो अगर इस बॉल को गिरने से बचाना है तो हमें डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक इलेक्ट्रिक फील्ड लगाना पड़ेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन प्लस से माइनस, ये माइनस का क्यू चार्ज है, ये इस प्लस की तरफ अट्रैक्ट होगा और ऊपर की तरफ फोर्स काम करेगा क्यू। अब आप ये बताइए ऊपर कितना फोर्स काम कर रहा है, नीचे कितना काम कर रहा है। अगर बॉल को गिरने से बचाना है तो दोनों फोर्स एक दूसरे के इक्वल होने चाहिए, ठीक है। तो हम यहां लिख पाएंगे QE इज इक्वल टू मास इंटू ग्रेविटी, QE इज इक्वल टू mg। सो इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू मास इंटू ग्रेविटी डिवाइडेड बाय चार्ज। देखो अगर हम बोर्ड एग्जाम की बात करते हैं तो इस फॉर्मूले से हमारा काम बन जाएगा, QE इक्वल टू mg से। Q का मतलब आप जानते हैं कि बॉल के ऊपर चार्ज कितना है, E का मतलब है कि कितना इलेक्ट्रिक फील्ड हमने अप्लाई किया है, M का मतलब मास से है, और G का मतलब ग्रेविटी से है। ग्रेविटी तो बदलेगी नहीं, कितनी रहेगी, 9.8 या 10, ठीक है। मास आपको गिवन दिया गया होगा, अगर गिवन नहीं दिया है तो मास को आप क्या लिखोगे, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी, और अगर वॉल्यूम को निकालने की जरूरत पड़ेगी तो वॉल्यूम की जगह आप क्या लिखोगे, 4/3 πr³ डेंसिटी इंटू ग्रेविटी, समझ में आ रही बात। अभी नोट मत करिएगा, हम सीधा क्वेश्चन की बात करते हैं इसके ऊपर। अब देखो एनसीईआरटी में एक प्रॉब्लम हमें दी गई है, प्रॉब्लम यह है भैया कि यह है हमारे पास में एक ड्रॉप, ध्यान से इस ड्रॉप की जो रेडियस है फॉर एग्जाम्पल वो 1 मिलीमीटर है, ठीक है। ड्रॉप की जो रेडियस है वो 1 मिलीमीटर है, ध्यान से सुनिएगा, और ये जो ड्रॉप है ये
ऑयल ड्रॉप है, ऑयल ड्रॉप, और उस ऑयल की जो डेंसिटी है आपके पास में वो है 2.7 इंटू 10^3 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। लो भैया उस ऑयल की डेंसिटी है इतनी और ड्रॉप की जो रेडियस है वो इतनी है, ठीक है, और इस ड्रॉप के ऊपर 12 इलेक्ट्रॉन एक्सेस हैं, यानी 12 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा हैं इसके ऊपर। अगर बॉल को नीचे गिरने से बचाना है तो आपको इलेक्ट्रिक फील्ड किस डायरेक्शन में अप्लाई करना पड़ेगा और कितना अप्लाई करना पड़ेगा ये देखना है। सबसे पहले ये बताइए कि बॉल के ऊपर जो कॉमन फोर्स काम कर रहा होगा वो किस डायरेक्शन में काम कर रहा होगा। हाँ भाई, कहाँ काम करेगा? एक फोर्स तो फिक्स है हमारे पास में कि नीचे की तरफ एक फोर्स काम करता है, मास इंटू ग्रेविटी करता है। मास तो आपको गिवन है नहीं यहाँ पर, तो मास को हम लिखेंगे वॉल्यूम इंटू डेंसिटी और साथ में क्या है, ग्रेविटी। समझ आ गई बात? वॉल्यूम डायरेक्ट गिवन है आपको? नहीं है। वॉल्यूम डायरेक्ट गिवन है, वॉल्यूम निकालना पड़ेगा। बॉल की या ड्रॉप की शेप कैसी है? स्पेरिकल। स्पेरिकल ड्रॉप का वॉल्यूम कितना रहेगा? 4/3 πr³। साथ में है डेंसिटी, अरे है भाई, और साथ में क्या है? चलिए हमारे पास में एक फोर्स mg काम कर रहा है नीचे। अगर mg को गिरने से बचाना है, मत दिखाओ इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन यार, डायरेक्ट लिखो यहाँ पर। अगर आपको mg को गिरने से बचाना है तो एक फोर्स ऊपर की डायरेक्शन में काम करेगा और वो क्यू ही होगा। कितना होगा? ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, नीचे mg काम कर रहा है, mg को बैलेंस करना है तो ऊपर की तरफ काम करेगा QE, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। समझ में आ रही बात? अगर ये QE इस mg को बैलेंस कर लेता है तो ड्रॉप नीचे नहीं गिरेगी। तो हम ये कह सकते हैं कि जो QE होगा हमारे पास में वो mg के इक्वल होगा, ठीक है, बैलेंस कर लिया दोनों ने एक दूसरे को। हमें निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आ गई mg अपॉन क्यू। एम को हमने लिख दिया है वॉल्यूम इंटू डेंसिटी, वॉल्यूम की वैल्यू है ये, डेंसिटी की वैल्यू डी, साथ में है ग्रेविटी अपॉन है चार्ज। बेटा जब चार्ज आपको डायरेक्ट गिवन ना हो तो चार्ज का एक फॉर्मूला होता है ne, क्या होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटू एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज, ठीक है। ये बताओ कितने इलेक्ट्रॉन है यहाँ पर? 12 इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, यानी इस ड्रॉप के ऊपर नेगेटिव चार्ज है। कैसा चार्ज है? अगर इलेक्ट्रॉन की एक्सेस होंगी तो नेगेटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी होगी तो पॉजिटिव चार्ज है। 12 इलेक्ट्रॉन ज्यादा है तो नेगेटिव चार्ज है, और चार्ज का फॉर्मूला होता है ne, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटू एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज। तो यहां से अगर मैं वैल्यूज को पुट करता हूं तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट हो जाएगा। 4 पाई की वैल्यू क्या होगी? रेडियस कितनी है? 1 मिलीमीटर। 1 मिलीमीटर को हम लिख पाएंगे 1 × 10⁻³³ मिलीमीटर को मीटर में बदल दिया। डेंसिटी है 2.7 इंटू 10³ और साथ में है ग्रेविटी की वैल्यू 10 अपॉन है 3, इलेक्ट्रॉन का नंबर है 12 और एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज है इतना 1.6 × 10⁻¹⁹ और यूनिट है न्यूटन पर कूलम्ब, ठीक है। इतना इलेक्ट्रिक फील्ड हमें अप्लाई करना पड़ेगा अगर हमें ड्रॉप को गिरने से बचाना है तो। कर पाओगे ये बताओ, ठीक है। अब एनसीईआरटी में जो क्वेश्चन हमें दे रखा है ना, वहां में रेडियस नहीं दे रखी है, बाकी सब वैल्यूज हमें दे रखी हैं। आपको पता है कि इक्विलिब्रियम में जैसे सवाल आया और इक्विलिब्रियम की लैंग्वेज सामने लिखी हुई, आप एकदम से समझ जाओगे। बिना कोई कॉन्सेप्ट मत लगाओ यार, आप सीधा लिख दो वहां पर कि क्यूई एमजी के इक्वल है। क्यूई किसके इक्वल है? एमजी के इक्वल है। वहां पूछिए हमसे ड्रॉप की रेडियस, क्या पूछिए? तो क्यूई एमजी के इक्वल हो गया, हमसे ड्रॉप की रेडियस पूछिए। मास को हमने क्या लिखा? वॉल्यूम इंटू डेंसिटी इंटू ग्रेविटी, ये स्मॉल आर हमें वहां निकालना पड़ेगा। बाकी सारे टर्म को एक तरफ ले जाना पड़ेगा और यहां से स्मॉल आर यानी ड्रॉप की रेडियस को हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। समझ में आ रही बात? इस तरीके से आप प्रॉब्लम को सॉल्व करोगे, क्लियर। अब आप इसे नोट कर लीजिए अपनी कॉपी में और फिर हम क्वेश्चन करते हैं। बस बातचीत मत करो, जरा नोट करो ध्यान से।
चलिए देखिए आगे। अब ऐसी प्रॉब्लम को लैंग्वेज के साथ अगर आएंगी तो कैसे आप लोग बनाएंगे? हाँ भाई बच्चों, दिख रही है प्रॉब्लम? अरे दिख रहा है। क्या क्या डेटा गिवन दिया है आप लोगों को, सबसे पहले आप ये बता दीजिए कितने इलेक्ट्रॉन हैं? तो Q की वैल्यू हो गई हमारे पास में 12e, ठीक है। उसके बाद में इज हेल्ड स्टेशनरी। अब जैसे हमने ये वर्ड सुना ना स्टेशनरी, हमने तुरंत कॉन्सेप्ट क्या लगाया, अगर ड्रॉप बीच में लटक रही है तो हमारा कॉन्सेप्ट क्या होगा, क्यू इज इक्वल टू एम जी, क्यू ई इज इक्वल टू एम जी, हो गया, क्यू हमें मिल चुका है। और क्या है, ये हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू है, ये पूरी इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू है। कितनी है इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू जरा बताइए? इलेक्ट्रिक फील्ड है 2.55 × 10⁴ न्यूटन कूलम इनवर्स, ठीक है। अच्छा, मिलिकन ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट और डेंसिटी हम लोगों को दे रखी है 1.26 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में है। अगर इसे किलोग्राम में कन्वर्ट करोगे तो 1000 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी और ये बन जाएगा किलोग्राम पर मीटर क्यूब, ठीक है। ग्राम सेंटीमीटर में तो हम बात ही नहीं करेंगे, हम तो किलोग्राम पर मीटर की क्यूब में बात करेंगे, इसीलिए 1000 से मल्टीप्लाई कर दी हमने। अब हमारे पास में चार्ज भी है, हमारे पास में इलेक्ट्रिक फील्ड भी है, हमारे पास में डेंसिटी भी है और हमें रेडियस फाइंड आउट करनी है। क्या फाइंड आउट करनी है, कैसे करेंगे ये बताइए जरा। क्यू को हम क्या लिखेंगे, 12 स्मॉल ई कैपिटल ई, हमने चार्ज को लिख दिया है 12e, साथ में है इलेक्ट्रिक फील्ड। हाँ भैया, मास को क्या लिखने वाले हैं, वॉल्यूम इंटू, अबे गधो नहीं समझे क्या, बहुत बेसिक बात है यार, अभी दो एग्जाम्पल तुम्हें बताए इसी के ऊपर तो बताए हैं। क्या लिखोगे मास को, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी। क्या है वॉल्यूम अपने पास में, 4/3πr³ और डेंसिटी कितनी होगी, डी, साथ में क्या है, जी, ठीक। स्मॉल ई कैपिटल ई पाई स्मॉल डी जी सब कुछ गिवन है हम लोगों को, सिर्फ आर को छोड़कर। तो आर को एक तरफ रखिए, बाकी पूरे डेटा को उधर ले जाइए, ठीक है। क्या बनेगा हमारे पास में जरा ये देखिए, R⁻³ इज इक्वल टू, मल्टीप्लाई करिए 3 की मल्टीप्लाई यहां करेंगे तो कितना होगा, 36 स्मॉल ई कैपिटल ई अपॉन 4πdg। अगर यहां से हम हटाएंगे पावर 3 तो ये बन जाएगा अपने पास में होल पावर 1/3। अब देखो बेटा, पूरी वैल्यूज हमारे पास में है, सिर्फ पुट करना है और कैलकुलेशन करना है और कुछ नहीं बचा। स्मॉल ई की वैल्यू क्या होगी, 1.6 × 10⁻¹⁹। कैपिटल ई आप लोगों को गिवन दिया है, ये रहा, ठीक है। 4 और पाई की वैल्यू फिक्स, डेंसिटी हमें गिवन दी है, ग्रेविटी की वैल्यू 10, कैलकुलेट करके यहां से रेडियस की वैल्यू हमारी मीटर में निकलेगी, कहां में निकलेगी, चलिए कैलकुलेट कर लीजिए फटाफट। ये प्रॉब्लम एनसीईआरटी की है बच्चों, एडिशनल एक्सरसाइज की प्रॉब्लम है, एनसीईआरटी के तो हम कर ही रहे हैं सारे क्वेश्चन, तो उसमें से यही है। कैलकुलेशन थोड़ा ध्यान से कर लेना, बस गलती नहीं होनी चाहिए। स्मॉल ई की वैल्यू है 1.6 × 10⁻¹⁹ कूलम और ग्रेविटी की वैल्यू कितनी हो गई, 10 ले लेना, 9.8 की जगह 10 लेकर करना, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर।
हो गया भाई, वैल्यू पुट करके कैलकुलेशन कर लेना, यहां से रेडियस निकल जाएगी, ठीक है, ड्रॉप की रेडियस कितनी होने वाली है। अब दो प्रॉब्लम हमारे पास में ऐसे ही हैं बच्चों जो डायग्राम के ऊपर बेस्ड हैं। मैं बोल रहा हूं प्रॉब्लम अपनी कॉपी में लिख लीजिए, फिर हम उन्हें सॉल्व करेंगे, ठीक है। लिखिए प्रॉब्लम नंबर वन है आपके पास में, ये लास्ट चल रहा है बिल्कुल, इलेक्ट्रिक फील्ड फिर फिनिश हो जाएगा इसके बाद में। लिखिए इन द गिवन फिगर फाइंड द सेमी वर्टिकल एंगल ऑफ पेंडुलम थ्रेड इन इक्विलिब्रियम सिचुएशन। सेमी वर्टिकल एंगल ऑफ पेंडुलम थ्रेड इन इक्विलिब्रियम सिचुएशन ठीक है। अब देखो जरा, पहले डायग्राम आप देख लीजिए प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम पर लिख लीजिएगा 2009 सीबीएसई में पूछी गई थी, अब तक का सबसे मुश्किल पेपर बना था बेटा 2009 सीबीएसई वाला, उसमें ये प्रॉब्लम पूछी गई थी, ध्यान रखिएगा। देखिए प्रॉब्लम है क्या, ये फिगर बना हुआ है आपके पास में, ये पूरा थ्रेड है हमारे पास में, ठीक है, और इसका जो चार्ज हमें गिवन दिया है वो है प्लस क्यू, और जो मास है हमारे पास में वो है एम, ठीक। इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन हमें दे रखी है वो ये है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है, सेमी वर्टिकल एंगल ये वाला थीटा, ये एंगल बताना है आपको कितना होगा, ये है आपके पास में डायग्राम, ठीक है। सेमी वर्टिकल एंगल का मतलब ये है कि ये पूरा थ्रेड, ये बॉल, बॉल का चार्ज कितना है प्लस क्यू, मास कितना है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है इस तरफ, अगर ये यहाँ ऐसे ही इक्विलिब्रियम में रुका हुआ है, ना तो नीचे जा रहा है ना ऊपर जा रहा है, फिक्स है बिल्कुल यहाँ, समझ में आ रही बात। तो ये जो एंगल बनेगा ना इसका सेमी वर्टिकल एंगल, ये कितना बनने वाला है आप लोगों को ये बताना है, यानी ये एंगल कितना बनेगा, ठीक है, ये हम लोगों को बताना है यहाँ पर। तो आइए देखते हैं कि कैसे प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। सबसे पहले आप ये देखिए कि कहाँ कौन सा फोर्स काम करने वाला है भैया, कहाँ कौन सा फोर्स काम करने वाला है, ये बताइए कि इसका मास कितना हम लोगों ने लेट किया, कितना लेट किया है मास, एम मास की वजह से एक फोर्स काम करेगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में, और इस फोर्स को हम कहेंगे एम जी। इसमें कोई इलेक्ट्रोस्टैटिक्स नहीं है, बहुत बेसिक बात है कि नीचे की तरफ मास इंटू ग्रेविटी काम कर रहा है, ठीक है। उसके बाद देखिए जो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है बेटा वो पॉजिटिव से स्टार्ट होता है और पॉजिटिव से स्टार्ट होकर नेगेटिव पर टर्मिनेट हो जाता है। इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस से स्टार्ट होगा और माइनस पर खत्म होगा। एक बात बताओ, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस से स्टार्ट होकर माइनस पर खत्म हो रहा है तो ये बताओ कि इस बॉब के ऊपर, इस बॉल के ऊपर कैसा चार्ज है, अरे कैसा चार्ज है, तो पॉजिटिव चार्ज होने की वजह से ये प्लस हमारा नेगेटिव की तरफ ऐसे इस तरफ अट्रैक्ट होगा, और चार्ज कितना है बेटा क्यू, इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, तो इस डायरेक्शन में जो फोर्स काम करेगा ये कहलाएगा क्यू। क्लियर, समझ आ गया, नीचे की तरफ काम करेगा मास इनटू ग्रेविटी, ये प्लस वाला माइनस की तरफ अट्रैक्ट होगा, इस तरफ काम करेगा क्यू इनटू ई, ठीक है, दो फोर्स काम कर रहे हैं बॉल के ऊपर। अब देखते हैं कि तीसरा फोर्स किस डायरेक्शन में काम करेगा, तीसरा जो फोर्स काम करेगा वो काम करेगा थ्रेड के अंदर, अलोंग द थ्रेड, ठीक है, ये थ्रेड दिख रहा है आप लोगों को, इसमें जो टेंशन आएगी वो कहलाएगी टी, क्या कहलाएगी टी, यहां जो टेंशन आएगी वो टी कहलाएगी। अब आप देखो हमने टेंशन के कंपोनेंट्स ब्रेक कर दिए हैं कुछ इस तरीके से, भाई एक बात बताइए, अगर हमने इस एंगल को थीटा लेट किया है, अगर ये एंगल थीटा है तो बताइए ये एंगल भी कितना होने वाला है, ये एंगल भी थीटा होने वाला है, ऑल्टरनेट एंगल होने वाला है थीटा, ये अपने पास में टी है ये थीटा है, तो इस डायरेक्शन में हमारे पास में जाएगा t cos थीटा और इस डायरेक्शन में हमारे पास में जाएगा t sin थीटा। जहां से एंगल बनेगा t का जब हम कंपोनेंट ब्रेक करेंगे, ये t है ये एंगल है, तो इधर जाएगा t cos थीटा और यहां जाएगा t sin थीटा, ठीक। अब देखिए बॉल के ऊपर चार फोर्स काम कर रहे हैं, इन चार में से सिर्फ एक इलेक्ट्रोस्टैटिक का है, बाकी के तीन फोर्स बेसिक मैकेनिक्स फोर्स है, ठीक है। mg नीचे काम करता है आप सबको पता है, टेंशन यहां काम करेगी, टेंशन के दो कंपोनेंट ब्रेक कर दिए हम लोगों ने,
इलेक्ट्रोस्टैटिक का फोर्स कौन सा है ये बताइए, क्यू ई, ये प्लस वाला माइनस की तरफ अट्रैक्ट होगा। अगर ये बॉल इक्विलिब्रियम में है तो इक्विलिब्रियम का मतलब है कि अपोजिट डायरेक्शन में काम करने वाले फोर्सेज आपस में इक्वल होंगे। बताओ ऊपर क्या काम कर रहा है, नीचे क्या काम कर रहा है, तो हम कहेंगे भैया टी कॉस थीटा हमारा इक्वल हो गया है एम जी के, ऊपर वाला फोर्स नीचे वाले फोर्स के इक्वल है और ये जो इधर वाला फोर्स है ये इधर वाले फोर्स के इक्वल है। बताओ इधर क्या काम कर रहा है, इधर टी साइन थीटा और इधर क्या काम कर रहा है क्यू ई। अरे भाई समझ आ रहा है, इक्विलिब्रियम के लिए ये दो सिचुएशन हमने आपके सामने बना दी। ठीक है, हमें निकालना है थीटा। थीटा निकालने के लिए अब हम क्या करेंगे, सेकेंड इक्वेशन को डिवाइड करेंगे फर्स्ट इक्वेशन से, सेकेंड इक्वेशन को ऊपर फर्स्ट इक्वेशन को नीचे। टी साइन थीटा हमने ऊपर रखा और टी साइन थीटा को इससे डिवाइड कर दिया यानी टी कॉस थीटा से। ठीक है, इधर इसे ऊपर रखेंगे क्यू ई और किससे डिवाइड करेंगे, इसे एम जी से, टी से टी कैंसिल आउट। बताइए साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा क्या होगा, टेन थीटा, और ये वैल्यू क्या बनेगी हमारे पास में क्यू ई अपॉन एम जी। हमें टेन थीटा नहीं चाहिए था, हमें सिर्फ थीटा चाहिए था, तो ये जो टेन दिख रहा है ना इसे यहां से उठाकर जब उधर लेकर जाएंगे तो थीटा की वैल्यू बन जाएगी टेन इनवर्स और हमारे पास में यहां क्या बनेगा क्यू ई अपॉन एम जी। लो भैया सेमी वर्टिकल से इतना एंगल बन रहा होगा फॉर इक्विलिब्रियम पोजीशन। बताइए समझ में आ गया क्या सभी लोगों को, अरे आ गया, जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, नोट कर लिया सभी लोगों ने, बढ़े आगे। तो देखो ऑलमोस्ट कंडीशन हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड की फिनिश हो गई है। पिछले 3-4 दिन से हम इलेक्ट्रिक फील्ड की बात कर रहे हैं, उसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन है आपके बोर्ड के लिए वो कल वाली है जो कल मैंने आपको पढ़ाया था, वर्क डन, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, टॉर्क। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्टली क्वेश्चन यहीं से बनता है। और एक इंपॉर्टेंट क्या है जो मैंने स्टार्टिंग में आपको पढ़ाया था, जब मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड स्टार्ट किया नल पॉइंट की पोजीशन कहां होगी, याद है आप लोगों को, इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो कहां होने वाला है फॉर लाइक चार्जेस एंड अनलाइक चार्जेस। इसमें दो डेरिवेशन आती हैं, एक आता है इलेक्ट्रिक फील्ड एट एक्सियल पोजीशन और एक आता है इलेक्ट्रिक फील्ड एट इक्विटोरियल पोजीशन। बहुत बेसिक डेरिवेशन है, बहुत बेसिक डेरिवेशन। ठीक है, तो डेरिवेशन भी बताने की जरूरत पड़ेगी, अगर मैं डेरिवेशन भी बताऊंगा यार रिविजन में तो बहुत टाइम लग जाएगा इस तरीके से। तो मैं चाह रहा हूँ कि रिवीजन में ना क्या होना चाहिए कि सारे जितने भी न्यूमेरिकल कॉन्सेप्ट हैं, कॉन्सेप्चुअल कॉन्सेप्ट है और जो आपके थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट हैं, यानी थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट में क्या, अगर डेरिवेशन नहीं बता सकते यार, डेरिवेशन में अगर एक एक डेरिवेशन करके मैं बताने लगा तो पूरी एनसीईआरटी कवर हो जाएगी इस तरीके से, और फिर दोबारा से 8 महीने लगेंगे तुम्हें रिवीजन कराने में, बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। तो जो मेन मेन डेरिवेशन है आप लोगों की, मैं आप लोगों को उनके नाम बता दूंगा, ठीक है, जिससे कि आप पढ़ें। और अगर पूरी क्लास में ऐसा कोई स्टूडेंट है जिससे वो नहीं आती है डेरिवेशन, तो मुझसे फिर एक्स्ट्रा टाइम लेकर, अलग से टाइम लेकर उन डेरिवेशंस को पढ़ सकता है। ठीक है, अगर मैं एक एक डेरिवेशन बताऊंगा ना तो बहुत टाइम लगेगा इस तरीके से यार, बहुत बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा, एक चैप्टर के रिविजन में एक एक महीना लग जाएगा। इतना समय नहीं लगाना है हम लोगों को, मैं आपको नाम बता दूंगा कि भाई कौन कौन सी मेन मेन डेरिवेशंस आप लोगों को पढ़नी है। अगर वो आप लोगों से आती हैं तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं आती हैं तो फिर आप उस कंडीशन में मुझसे एक्स्ट्रा टाइम ले लीजिए, या हमारे पास में जितने भी वीडियो लेक्चर्स हैं उनमें से कोई लिंक हम आपके साथ में शेयर कर देंगे जिससे कि आप उस डेरिवेशन को पढ़ पाओगे। ठीक है, आप एक्स्ट्रा टाइम ले लोगे तो ठीक रहेगा, क्लास के बाद में 10 मिनट ले लो, क्लास से पहले ले लो, तो वो डेरिवेशन उस समय हम आप लोगों को बता देंगे। ठीक, तो अब इसके साथ इलेक्ट्रिक फील्ड का जो काम था हमारा वो फिनिश हो गया,
इलेक्ट्रिक फील्ड पूरे तरीके से मैंने आप लोगों को पढ़ा दिया है। इसमें थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट आप लोगों को क्या क्या पढ़ने हैं मैं एक बार और बता देता हूँ, लिख लीजिए, फिर हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे आप लोगों का। थियोरेटिकल पोर्शन आपको पढ़ना है इलेक्ट्रिक फील्ड एट एक्सियल, इलेक्ट्रिक फील्ड एट इक्वेटोरियल, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, इलेक्ट्रिक फील्ड एट एक्सियल, इलेक्ट्रिक फील्ड एट इक्वेटोरियल, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, ठीक है, एक्सियल पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड, इक्वेटोरियल पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड, ओके, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, टॉर्क, वर्क डन एंड पोटेंशियल एनर्जी, टॉर्क, वर्क डन एंड पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, ओके। थियोरेटिकली ये सारे कॉन्सेप्ट आप लोगों को पढ़ने हैं, ठीक है। बाकी जिसके इसके जो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस हैं उन सब की बात हम लोगों ने कर ली, कैसे कैसे क्वेश्चन आप लोगों से पूछे जाएंगे, न्यूमेरिकल क्वेश्चंस की बात हमने कर ली, एनसीईआरटी पूरी हम लोगों ने पढ़ ली है, जो एनसीईआरटी की एक्सरसाइज है वो सब मैंने एक एक क्वेश्चन आप लोगों को करा दिया है, तो आप लोगों के ये दो तीन टॉपिक बहुत अच्छे तरीके से तैयार हो गए हैं, ठीक है। अब हम स्टार्ट करेंगे आपका नया टॉपिक, और नया टॉपिक होगा हमारा गॉस थ्योरम एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, गॉस थ्योरम एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। उससे पहले नया टॉपिक स्टार्ट करूं उससे पहले एक क्वेश्चन है हमारे पास में जो आप लोगों को अपनी कॉपी के अंदर लिखना है, ठीक है। लिखिए, ये फोर्स है, कूलम लॉ से है बच्चों, कूलम लॉ मैंने आप लोगों को पढ़ा दिया था, एक क्वेश्चन बच रहा है उसके अंदर से, वो मैं आपको बता देता हूं, नोट कर लीजिए फटाफट। ये प्रॉब्लम कूलम लॉ से है, फोर्स से है, इलेक्ट्रिक फोर्स से है, इलेक्ट्रिक फोर्स प्लस सिंपल हार्मोनिक मोशन का कॉम्बिनेशन है, ठीक है। एक बार ये बोर्ड एग्जाम में पूछी गई है और सवाल काफी अच्छा है, ये तभी हो सकता है जब आपने 11th क्लास के कॉन्सेप्ट पढ़ रखे हों, अदरवाइज नहीं कर पाएंगे आप लोग। तो मैं बता देता हूं कि इस तरीके की प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करना है। देखो बच्चों, प्रॉब्लम क्या है, एक चार्ज हमें दिया है प्लस कैपिटल क्यू, दूसरा चार्ज है हमारे पास में अगेन प्लस कैपिटल क्यू, इनके बीच की जो सेपरेशन है वो है 2a। अगर ये पूरी सेपरेशन 2a है तो ये सेपरेशन हो गई a, ये सेपरेशन हो गई a, और ये हो गया है मिडिल पॉइंट। मिडिल पॉइंट पर लाकर हमने एक चार्ज को रखा प्लस क्यू, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट कंडीशन क्या है, यहां से प्लस क्यू को उठाया, यहां से प्लस क्यू को उठाकर हमने यहां तक ले गए इसे, ऐसे सेंटर से प्लस क्यू को उठाकर यहां से ऐसे यहां लेकर गए, और यहां ले जाकर हम लोगों ने इसे छोड़ दिया। तो जैसे ही प्लस क्यू को यहां से लेकर यहां जाकर छोड़ा हम लोगों ने, तो इस प्लस क्यू ने कुछ इस तरीके से मोशन करना स्टार्ट कर दिया। ऐसे मोशन को हम बोलते हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन। हमें इस सिंपल हार्मोनिक मोशन के टाइम पीरियड को कैलकुलेट करना है, टाइम पीरियड कितना होगा, ठीक है। मतलब थोड़ा सा अलग प्रॉब्लम है, जनरली बोर्ड एग्जाम में ऐसी प्रॉब्लम पूछी नहीं जाती है, लेकिन ये अकेला ऐसा क्वेश्चन है जो सिंपल हार्मोनिक मोशन और कूलम लॉ के कॉम्बिनेशन से पूछा गया है। चांसेस बहुत कम है, लेकिन आप लोग इस तरीके की प्रॉब्लम के लिए भी तैयार रहे, ठीक है। अब कैसे करेंगे इस तरीके की प्रॉब्लम को सॉल्व, जरा देखो।
पर ये डिस्टेंस है अपने पास में x, कितनी है डिस्टेंस? देखो हम क्या करेंगे, अब सबसे पहले इस प्लस q की वजह से, इस प्लस की वजह से इस प्लस पर एक फोर्स कैलकुलेट करेंगे जो इस डायरेक्शन में काम कर रहा होगा F1। तो बेटा F1 की वैल्यू हमारे पास में हो जाएगी 1/4πε0 यानी k। ये चार्ज कितना है? ओके, ये चार्ज कितना है? और यहां से लेकर यहां तक की डिस्टेंस कितनी है? x प्लस a का होल स्क्वायर। ठीक है, इक्वेशन नंबर 1। क्लियर हो गई सभी लोगों को बात? इसकी वजह से इस पर एक फोर्स इधर काम करेगा जिसकी वैल्यू होगी इतनी। ठीक है, अब आप देखो आगे, ये कैसा चार्ज है भैया? प्लस कैपिटल क्यू, ये प्लस स्मॉल क्यू। अब इस प्लस कैपिटल क्यू की वजह से इस प्लस स्मॉल क्यू पर एक फोर्स काम करेगा जिसकी डायरेक्शन होगी इस तरफ। मैंने इस फोर्स को नाम दे दिया F2। इस प्लस की वजह से यहां जो फोर्स काम कर रहा है, प्लस प्लस में रिपल्शन होगा उस तरफ। उस प्लस की वजह से जो इस पर काम करेगा, इसकी डायरेक्शन इस तरफ। देखो F2 की वैल्यू हमारे पास में क्या आने वाली है? F2 की वैल्यू आने वाली है K। वो वाला चार्ज कितना है? कैपिटल Q। ये चार्ज कितना है? स्मॉल Q। बताइए इनके बीच की सेपरेशन कितनी आएगी हमारे पास में? ये सेपरेशन कितनी होगी जरा ये बताइए। ये पूरी डिस्टेंस है A, ये कितनी है? X। तो ये डिस्टेंस कितनी रह जाएगी हमारे पास में? A माइनस X। तो हमने यहां लिख दिया है A माइनस X का होल स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 2। उम्मीद है आपको समझ आ रहा होगा। एक फोर्स इसकी वजह से इधर, एक फोर्स उसकी वजह से इधर, दोनों फोर्स की डायरेक्शन है एक दूसरे के अपोजिट। तो अब हम निकालेंगे नेट फोर्स, और देखो नेट फोर्स की वैल्यू क्या आने वाली है। देखो ध्यान से, F2 फोर्स में यहां डिस्टेंस के बीच में नेगेटिव है, यानी ये डिस्टेंस कम है। अगर ये डिस्टेंस कम है तो ये फोर्स ज्यादा होगा। यहां डिस्टेंस के बीच में पॉजिटिव है, यानी ये डिस्टेंस ज्यादा है और ये डिस्टेंस ज्यादा है तो ये फोर्स कम होगा। अरे भाई समझ आ रही बात? ये डिस्टेंस कम है तो ये फोर्स ज्यादा होगा, और ये डिस्टेंस ज्यादा है तो ये फोर्स कम होगा। यानी F2 बड़ा है और F1 छोटा है। अगर F2 बड़ा और F1 छोटा है तो हमने F2 में से F1 को माइनस कर दिया। ओके, चलिए बढ़ते हैं आगे। देखो टोटल फोर्स इज इक्वल टू F2 माइनस के F1। F2 की वैल्यू है हमारे पास में K, कैपिटल Q स्मॉल Q, अपॉन A माइनस X का होल स्क्वायर। ठीक है, यहां आएगा माइनस K, कैपिटल Q स्मॉल Q, और नीचे आएगा A प्लस X का होल स्क्वायर। X प्लस A लिखो या A प्लस X लिखो, कोई बड़ी बात नहीं है, एक ही बात है। कॉमन बताइए फटाफट क्या आने वाला है यहां से? कॉमन आने वाला है K कैपिटल Q स्मॉल Q। अरे भाई समझ आया? एलसीएम क्या आएगा? ये a माइनस बी, ये a प्लस बी, a माइनस एक्स, a प्लस एक्स। क्या बन जाएगा एलसीएम? a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। क्लियर, समझ आ गई सभी लोगों को बात? चलिए एलसीएम ले लेते हैं इसका। जब एलसीएम लेकर हम इसे सॉल्व करेंगे तो मल्टीप्लाई हो जाएगी इधर, ये बन जाएगा हमारे पास में a प्लस एक्स का होल स्क्वायर, बीच में माइनस, और यहां क्या बनेगा? a माइनस एक्स का होल स्क्वायर। थोड़ा सा कैलकुलेशन का काम है, आसान है, बाकी कुछ करना नहीं है इसके अंदर। ये F1, ये F2, F2 बड़ा है, F1 छोटा है, F2 से F1 को माइनस कर दिया, ये रिजल्ट आ गया अपने पास में। अब यहां फॉर्मूला ओपन करिए a प्लस बी के होल स्क्वायर का, करें फॉर्मूला ओपन a प्लस बी के होल स्क्वायर का, देखो क्या रिजल्ट निकलेगा अपने पास में, जरा जल्दी से बताइएगा। F इज इक्वल टू k कैपिटल Q स्मॉल Q, ठीक है, a प्लस बी का होल स्क्वायर। a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होगा भाई? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी। बी का काम यहां एक्स कर रहा है, ठीक है, समझ आ रही बात? ये क्या है अपने पास में? ए माइनस बी का होल स्क्वायर, बीच में है अपने पास में माइनस, यहां बनेगा ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस के टू ए एक्स, ठीक है, अपॉन में है ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। क्यों भाई समझ आया? जल्दी से बताओ यहां तक समझ आया या नहीं आया, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है किसी को? ठीक है, आगे सॉल्व करते हैं और देखो क्या रिजल्ट बनेगा हमारे पास में। K कैपिटल Q स्मॉल Q, देखो बेटा माइनस की मल्टीप्लाई ए स्क्वायर में करेंगे तो माइनस ए स्क्वायर, और यह है हमारे पास में प्लस ए स्क्वायर, यह है माइनस ए स्क्वायर, कैंसिल आउट कर दो डायरेक्ट कैंसिल आउट। ये एक्स स्क्वायर है, ये माइनस की मल्टीप्लाई यहां करेंगे माइनस एक्स स्क्वायर, कैंसिल आउट हो गया, कैंसिल आउट। यहां क्या है मेरे पास में? टू ए एक्स, माइनस की मल्टीप्लाई माइनस में करेंगे प्लस, टू ए एक्स और टू ए एक्स 4ax, ठीक है, नीचे क्या बचेगा? a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, ब्रैकेट क्लोज।
ठीक है, समझ आया। अब देखो प्रॉब्लम की लैंग्वेज में आप ध्यान से अपने क्वेश्चन को देखोगे तो आपको एक टर्म दिखाई देगा और वो ये है, ए बड़ा है या एक्स बड़ा है, ए किससे बड़ा है, ए एक्स से बड़ा, काफी बड़ा है, ठीक है। ए की जो वैल्यू है वो एक्स से बहुत ज्यादा बड़ी है, इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हो गया कि एक्स बहुत छोटा हो गया, एक्स अगर बहुत छोटा हो गया तो एक्स का स्क्वायर करेंगे वो और भी छोटा हो गया, यानी एक्स का स्क्वायर करने के बाद में बहुत छोटी वैल्यू निकल कर आएगी, बहुत छोटी, बहुत बिल्कुल नेग्लिजिबल वैल्यू निकल कर आएगी। समझ में आ रही बात आप लोगों को? तो मैंने एक्स स्क्वायर को ये कहकर यहां से नेग्लेक्ट कर दिया कि एक्स स्क्वायर की वैल्यू बहुत छोटी है, एक्स स्क्वायर को यहां से हटा देते हैं। अब भैया अगर एक्स स्क्वायर को मैंने यहां से हटा दिया तो क्या बचेगा मेरे पास में, जरा जल्दी से बताइए क्या बचेगा मेरे पास में, के कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू, यहां क्या है 4ax, ठीक है, एक्स स्क्वायर को मैंने यहां से हटा दिया, ए स्क्वायर, ए स्क्वायर का होल स्क्वायर, ए की पावर, ए से ये कैंसिल आउट, क्या बचा अपने पास में, के कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू, साथ में क्या है, साथ में क्या है, और अपॉन में क्या है, बताइए समझ आया नहीं, ठीक है, क्लियर है सभी लोगों को। एफ टू कौन सा फोर्स है, जो किसने लगाया, जो इस वाले ने इस वाले पर अप्लाई किया इधर, और F1 जो इस वाले ने इस वाले पर अप्लाई किया इधर, F2 बड़ा है F1 छोटा है, तो F2 में से F1 को माइनस करके हमने रिजल्टेंट सॉल्व किया और हम यहां पहुंच चुके हैं। ये बताइए कि ये जो K लिखता आ रहा हूं मैं, इस K की वैल्यू क्या है, 1/4 pi epsilon naught, ठीक है, कैपिटल Q स्मॉल Q 4x/a³, मैं इसके सामने बेटा माइनस लगाने वाला हूं, देखो माइनस क्यों लगाने वाला हूं, ध्यान से कैलकुलेशन से कोई माइनस नहीं आया हमारे पास में, माइनस मैंने अपनी तरफ से लगाया, क्यों लगाया मैंने माइनस, ये बताइए कौन सा फोर्स बड़ा है कौन सा छोटा है, F2 की डायरेक्शन किस तरफ है हमारी, X की अपोजिट डायरेक्शन में है, अरे है या नहीं है, F2 की जो डायरेक्शन है वो X की अपोजिट डायरेक्शन में है, तो इसलिए मैंने माइनस साइन लगा दिया। वैसे तुम्हारी इच्छा है लगाओ या ना लगाओ, सिर्फ सिंपल हार्मोनिक मोशन को रिप्रेजेंट करने के लिए मैंने यहां माइनस साइन का यूज किया है, ठीक है। हम एक काम करते हैं, फोर्स इज इक्वल टू, ये जो के आपको दिख रहा है, इस के की वैल्यू होती है बेटा 1/4 pi epsilon naught, ठीक है, यहां है अपने पास में 4 कैपिटल Q स्मॉल Q, साथ में है X, और अपॉन क्या है a^3, अरे भाई आया समझ में, जल्दी से बताइए क्या कैंसिल आउट होगा, 4 से 4, हमारे पास में फोर्स की वैल्यू क्या बन गई, यहां लिख देता हूं मैं, यहां लिख रहा हूं मैं, देखिए हमारे पास में फोर्स की वैल्यू क्या बन गई, हमारे पास में फोर्स बन चुका है, फोर्स इज इक्वल टू माइनस कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू, साथ में क्या है, अपॉन में क्या है, पाई एप्साइलन नॉट ए टू द पावर 3। और जो बॉडी सिंपल हार्मोनिक मोशन करती है उसके लिए फोर्स का फॉर्मूला होता है ये m ओमेगा स्क्वायर एक्स, माइनस की जगह प्लस ही दिखा दिया मैंने, माइनस मत दिखाओ, m ओमेगा स्क्वायर एक्स। ये बताओ यहां x का कॉफिशियंट क्या है, x का कॉफिशियंट क्या है, ये पूरा है ना, और यहां x का कॉफिशियंट क्या है, हम एक काम करेंगे m ओमेगा स्क्वायर को इक्वल रखेंगे q स्मॉल q पाई एप्साइलन नॉट a टू दी पावर 3, यहां से ओमेगा की वैल्यू निकालेंगे, ओमेगा आएगा कैपिटल q स्मॉल q पाई m एप्साइलन नॉट a टू दी पावर 3, ओमेगा के ऊपर से स्क्वायर हटाएंगे तो क्या लग जाएगा, ये लग जाएगा इधर अंडर रूट, ठीक है, लास्ट में बेटा ओमेगा को हम लिख सकते हैं 2π/T, तो कैपिटल टी यानी यहां से टाइम पीरियड निकल जाएगा, ठीक है। पूरा क्वेश्चन अगर आया, पहली बात तो चांसेस बहुत कम है, मतलब मैं किसी भी तरीके का क्वेश्चन छोड़ना नहीं चाहता हूं यार, बोर्ड एग्जाम के लिए हमने हर तरीके का क्वेश्चन डिस्कस भी कर लिया है, ये लास्ट क्वेश्चन था हमारे पास में, अगर इस तरीके की प्रॉब्लम आई, वैसे तो चांसेस कम है, आपको इस तरीके से सॉल्व करना है, ठीक है। सबसे पहले आपने क्या कैलकुलेट किया मुझे ये बताइए, फोर्स, अरे भाई निकाला, और फोर्स को निकाल कर फिर किसके इक्वल रखा, m ओमेगा स्क्वायर x के, क्यों रखा m ओमेगा स्क्वायर x के, क्योंकि जब कोई बॉडी सिंपल हार्मोनिक मोशन करती है तो उसके लिए फोर्स का फॉर्मूला हमारा यही रहता है, ये तो हमने ड्राइव किया है, ये जर्नल फॉर्मूला है, दोनों को आपस में इक्वल रखेंगे और यहां से ओमेगा की वैल्यू निकल गई, ये ओमेगा को हम लिख सकते हैं 2π/T, यहां से टाइम पीरियड फाइंड आउट हो जाएगा, ठीक है। इतने टाइम पीरियड के साथ में ये चार्ज सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहा है, ठीक है। चलिए ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था इलेक्ट्रिक फील्ड को लेकर, इलेक्ट्रिक फील्ड फिनिश, कूलम्स लॉ फिनिश,
चार्ज फिनिश। अब कल से हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, गॉस थ्योरम एंड पोटेंशियल। ठीक है, आगे समझ में सभी लोगों को? क्वेश्चन को एक बार जाकर रिपीट जरूर करिएगा। ठीक है, परसों आप लोगों का हम एक छोटा सा टेस्ट लेंगे भैया, कूलम्स लॉ, इलेक्ट्रिक फील्ड और चार्ज से, तीनों टॉपिक हमने पढ़ा दिए हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आपको एक छोटा सा टेस्ट होगा, फिर आपको क्लास में पढ़ाना स्टार्ट करेंगे। ये तीनों टॉपिक जितने भी क्वेश्चंस मैंने कराए हैं उन्हें अच्छे तरीके से एक बार आप रिवाइज कर लीजिएगा। चलिए नोट कर लीजिए, और आज का काम खत्म, कल स्टार्ट करेंगे नया चैप्टर का।